प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंबरनाथ के सर्वोदय नगर इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान में हमलावरों ने लूटपाट की और गोलीबारी भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कल दोपहर के 1 बजे के वक्त 4 हमलावर बाइक पर आए और भवानी ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। 25 तोला सोना लूटकर दुकान से बाहर ये चोर निकल रहे थे, तभी दुकान मालिक आ गया और दुकान के कर्मचारी भी इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, मगर तभी हमलावरों ने चाकू से वार किया और 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। आज दुपारी 1:30 सुमारास 4 आरोपींनी अंबरनाथ येथील भवानी ज्वेलर्स येथे प्रवेश केला आतमध्ये दुकानामध्ये। त्यानंतर त्यांच्याकडे असलेलं रिव्हॉल्वर पिस्टलचा धाक दाखवून दुकान लुटण्यास सुरुवात केली। त्यावेळी दुकानाचे मालक आणि त्यांचे भाऊ बाहेरून आले, त्यांनी या आरोपींना विरोध केला, त्यांच्यामध्ये झटापट झाली। त्यामध्ये दुकानाचे मालक, त्यांचे भाऊ आणि काम करणारे नोकर हे जखमी झाले। आता प्राथमिक माहिती जी मिळालेली आहे त्यानुसार 20 ते 25 तोड या आरोपींनी लुटलेला आहे आणि ते इथून फरार झालेले आहेत मोटरसायकलवर। या गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी आम्ही तात्काळ नाकाबंदी लावलेली होती। त्यानंतर आमच्या स्थानिक पोलिसांच्या 5 टीम्स तयार करण्यात आलेल्या आहेत। तपास सखोल पद्धतीने चालू आहे। गुन्हे शाखासुद्धा समांतर तपास करत आहे। यामधले सर्व जखमी हे सध्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत आणि ते आउट ऑफ डेंजर आहेत।